Hello dear students, welcome back to the GDC classes. So dear students, finally बहुत सारे students जिन questions को लेके doubt clear किए थे कि हाँ इस question का answer doubtful है, जो हमारा JPAT 2024 के official answer की में हमें answer देखने को मिला था और उसके लिए students ने claim किया था, तो आइए जरा देखते हैं किन किन questions पे NBMS ने हमारे आंसर्स को सही माना है और किन किन क्वेश्चंस को उन्होंने क्वेश्चंस को ही गलत मान के उन्होंने सबको कॉमन मार्क्स दिया है। तो जरा इधर ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले अगर बात किया जाए, मैं यहां से लेके चलता हूं आपको, बाकी इसमें कोई दिक्कत यहां तक नहीं देखने को मिल रही थी। हाँ, यहां पे अगर आप आगे आओगे, स्पिन क्वांटम फेमोडिडीन थायजोले तो सही था, परऑक्साइड वैल्यू पहला, रेंसिडिटी ऑफ ऑयल इज डिटेक्टेड बाय, तो परऑक्साइड वैल्यू इन्होंने इसको सही माना है, जो हमने पहले भी बोला था कि हाँ परऑक्साइड वैल्यू यहां पे कई सारी चीजों में हो सकता है, एसिड वैल्यू भी है, परऑक्साइड वैल्यू भी है, बट इन्होंने परऑक्साइड वैल्यू को माना, जो अकॉर्डिंग टू द फार्मास्यूटिक्स बुक के अकॉर्डिंग सही भी है। नेक्स्ट अगर आप बात करते हो, हमारा अगला क्वेश्चन किसमें हमें लेके हम लोगों ने डाउट क्लियर किया था, विल्सन डिजीज बिलो स्ट्रक्चर आइसोप्रिनिलिन, हाँ जी ड्यूरिंग कंप्रेशन आफ्टर द लीफ, ओके ये तो ठीक है, डिसकंटिन्यूएशन इंडिकेटर जिनसेंग ये तो ओके चल रहा था, लेगुमिनेशी पॉलीन एंटीबायोटिक, हाँ जी लाइट कैटालिस्ट पॉलीन एंटीबायोटिक, सिक्मिक एसिड की बात करेंगे। हमारा नेक्स्ट यहाँ पे डाउटफुल वाला जो ऑप्शंस था, जी हाँ ये है जहां पे हमने बात किया था वुडवर्ड फिशर रूल के अकॉर्डिंग जो लेमडा मैक्स कैलकुलेट करना था, और यहां पे जो हमारे पास ये न्यूक्लियस दिया गया था इसका कितना होगा 283 होगा, इनिशियली इन्होंने आंसर दिया था 273, जो बाद में इन्होंने सही आंसर करके दे दिया, यस 283 इज द करेक्ट और इस पे मार्क्स मिलने चाहिए, सो 283 आने इन्होंने सही किया है। अगर इट बात किया जाए, ये नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे जो हमारा डाउटफुल था, एलिक्सर कंटेन 47% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम अल्कोहल, अच्छा यहां पे जो एक सबसे बड़ा डाउट था वो डाउट किस चीज पे लेके था, डाउट इस चीज पे लेके था कि जो हमारा यहां पे लास्ट में क्वेश्चन लिख दिया गया है ना अकॉर्डिंग टू द यूएसपी, वही सब गड़बड़ हो गया, क्योंकि यूएसपी के अकॉर्डिंग रीडिंग गलत हो जाएगी, आईपी के अकॉर्डिंग होता तब तो सही जा रहा था 82%, इसलिए इन्होंने क्या किया, फुल मार्क्स इज बीइंग अवार्डेड टू ऑल द कैंडिडेट्स, यानी कॉमन मार्क्स सभी को दे दिए गए हैं यहां पे, इसमें कोई डाउट नहीं है। फर्दर अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा जो डाउटफुल क्वेश्चन था कहां पे था, कुमिफोराविटी ओके सिनेमन ये ठीक था, एनडीजीए सही जा रहे थे, ये मैच ऑफ द फॉलोइंग H1 रिसेप्टर जो3 किलर किलानी एंटी थिक्सोट्रोपी लेगुमिनेशी, बढ़िया यहां पे कोई डाउट नहीं चल रहा था, ब्लड क्लॉटिंग ओके, टाइप 4 हाइपरसेंसिटिविटी ये वाला क्वेश्चन, Which of the following is an aryl acetic acid derivative? देखिए इन्होंने पहले इसका आंसर जो लिया था वो आइबुप्रोफेन लिया था, जो कि प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव है, हमने उसको पढ़ा हुआ है, प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव इन्होंने आंसर दिया था आइबुप्रोफेन को, लेकिन क्वेश्चन में क्या है, एराइल एसिटिक एसिड डेरिवेटिव है, जिसकी वजह से यह आंसर गलत हो गया, वहां पे हमारा आंसर या तो अगर बात किया जाएगा सिलिंडैक पे जाते वो एराइल एसिटिक एसिड पे आता, लेकिन यहां पे डिस्क्रिपेंसी फाउंड हुआ, इसलिए ये भी फुल मार्क्स सभी को दे दिए गए हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन में भी गड़बड़ी है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ऑप्शन नहीं मिल रहे हैं। ओके नेक्स्ट अगर बात किया जाएगा, बैक्टीरियल डिजीज 126 बोन ESI, हाँ जी इलेक्ट्रो स्प्रे ऑर्गेनाइजेशन भी तो ठीक था, प्रोंटोसिल ये भी ठीक था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये जिस पे सभी स्टूडेंट्स ने क्लेम किया कि सर टेट्रासाइक्लिन अंडरगोस द इपिमेराइजेशन एट C4PH4 to 8 इट विल गिव, पहले उन्होंने आंसर दिया था नॉट टेट्रासाइक्लिन, बट सही आंसर होना था इपी टेट्रासाइक्लिन, और NBMS ने वहां पे इसको सही किया और इपी टेट्रासाइक्लिन इज द करेक्ट आंसर। गाजीपुर नीमच परफेक्ट कॉन्जुगेटेड मिथाइल ग्रुप, काउमेरिन की बात किया जाए ओके, एस एंजाइम पीनियल ग्लैंड पेलेग्रा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एरिथ्रोपोएटिन इंडिपेंडेंट कोलेस्ट्रॉल एसिटामिनोफेन हार्ट वॉल्व ओके, हाउ मेनी ऑप्टिकल टू यहां पे कंटिन्यूअस ट्रिपलेट स्टेज नल हाइपोथेसिस इड्रोफोनियम हिमोलिसिस हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्प्रिट ऑफ सॉल्ट हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात होती है जी, एरोबिक डिहाइड्रोजिनेज। नेक्स्ट ये क्वेश्चन जिसमें बहुत ज्यादा डाउट हुआ था कि प्लाज्मा प्रोटीन बाउंडेड ड्रग आर, जो प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडेड ड्रग है वो क्या होगी, इन्होंने आंसर क्या दिया था
फार्माकोडायनेमिकली इनर्ट दिया था, लेकिन हमने इस चीज को प्रूफ के साथ बात किया था कि हमारी अगर प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडेड ड्रग है तो ना तो उसका मेटाबॉलिज्म होगा और ना ही उसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन होगा, यानी फार्माकोकाइनेटिकली एंड फार्माकोडायनेमिकली दोनों वो इनर्ट होगा। और यहां पे स्टूडेंट्स को मार्क्स दिया गया जो सही भी था, ये इन्होंने करेक्ट इसको दिया है। लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन, ओके परफेक्ट। ये नेक्स्ट हमने इस क्वेश्चन पे डाउट क्लियर किया था कि ये क्वेश्चन पे ऑप्शन गड़बड़ है, अगर इन्होंने आंसर दिया है तो ये गलत आंसर दिया है जो इन्होंने पहले ए आंसर दिया था। अल्टीमेटली एनबीएमएस ने इसको भी एक्सेप्ट किया और फुल मार्क्स गिवन फॉर द ऑल द कैंडिडेट्स, क्योंकि यहां पे ऑप्शंस एज सच नहीं मिल रहा है, क्योंकि डीएलएम के साथ होना चाहिए था, डीएसएल के साथ है तब ये वाली रीडिंग हमारी आती, जो कि थोड़ा सा गड़बड़ है, और इसलिए इसको भी उन्होंने सही किया और सबको मार्क्स दे दिया गया। इन्फ्लुएंजा वायरस, गाबा डेरिवेटिव, ओके टोलुइन, नेक्स्ट मार्गरीन। अच्छा यहां पे जो बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज थे, इन्होंने फिर से वही चीज किया कि नहीं, पार्शियल हाइड्रोजिनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट एट 200 डिग्री सेल्सियस इट विल गिव द मार्गरीन। हां जी, क्योंकि मार्गरीन भी वेजिटेबल ऑयल्स का भी एक टाइप होता है, जिसको हम डालडा को थोड़ा सा और स्पेसिफिक बोल सकते हैं, तो इन्होंने इसको अपना आंसर सही माना है, मार्गरीन ही यहां पे आंसर होगा, इस पे किसी को कोई रियायत नहीं दी गई है। ओके नेक्स्ट, पेटेंट 20 इयर्स, कैथोड रेस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात किया जाएगा, ठीक है, थेरेपेटिक इक्विवेलेंट रोटावेट एनपीपीए ट्यूनिका वैजिनालिस, लॉग पी वैल्यू 1-3, जनरेशन ऑफ रिएक्टिव ऑक्सीजन, हां जी सर, पैरासाइट मलेरिया ट्रीटमेंट, क्रैनियल नर्व 10, अगर स्टार्च की बात किया था, एस फेज, ये सही था, टू आइडेंटिकल डीएनए कॉपीज। इस पे स्टूडेंट्स क्लेम कर रहे थे कि सर डीएनए कॉपीज, डीएनए की सिंथेसिस सिंथेटिक फेज में ही होता है, तो एस फेज ही सही है, उसमें कोई डाउट नहीं है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पीसीआर, एसएसरी, कैपोसी सार्कोमा 25-40, एट्रोफी, इनहिबिटिंग डीएनए काइनेज, ओके, टू फ्लोरोक्विनोलोन्स, टाइडल वॉल्यूम, ट्रांसडक्शन, हाँ ये ट्रांसडक्शन ही सही है और उसको उन्होंने कंफर्म पहले भी किया था और वो है यहाँ पे माइकलिस मेंटेन इक्वेशन, जहां पे रेट हमारा इक्वेशन मैक्सिमम हाफ मैक्सिमम वेलोसिटी हो जाती है, वेट बल्ब टेम्परेचर, क्लार्क फॉर्मूला, कनेक्टिव टिश्यू, आयरिस, कलरफुल, ओके ट्रिपोनेमा पैलेडियम, एंटी ग्लोबुलिन, कॉम्स टेस्ट की बात किया जाएगा, मैक्सिलरी लिक्विफिकेशन, जक्सा रेनिन रिलीज फ्रॉम द जेजी सेल्स एंड पार्शियल फैटी एसिड ऑक्सीडेशन इनहिबिटर ट्राइमेटाजिडिन। तो जैसा कि आपने देखा यहाँ पे तीन क्वेश्चंस पे सबको कॉमन आंसर दिए गए हैं और तीन से चार क्वेश्चंस का आंसर यहाँ पे बदला भी गया है, जो हमने क्लेम किया था उसके लिए वहां पे आंसर दिया गया। सो आई होप इसके अकॉर्डिंग आपने अपना फाइनल मार्क्स चेक कर लिया होगा, अब आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। इन द बिगिनिंग अगर आप देखोगे वहीं पे आपको टोटल मार्क्स कैलकुलेट करके दे दिया गया है, सो गेट रेडी फॉर द फाइनल रिजल्ट जो बहुत जल्द आपको देखने को मिल जाएगा। सो विद दिस थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।